प्लस गाड़ी की साइड वॉल के ऊपर आ जाए तो ये पहले मॉडल की निस्बत काफी ज्यादा इसकी हाइट ऊपर की गई है। यहाँ पे गाड़ी आपको मतलब गाड़ी के शीशे फोल्ड अनफोल्ड भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। पहले मॉडल में ये चीजें नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम, अनदर व्लॉग, अनदर डे। कैसे हैं सब लोग, खैरियत से हैं? आई होप ठीक ठाक होंगे। आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज हम होंडा में मौजूद हैं, तो आज का व्लॉग और आज की वीडियो हमारी है होंडा सिटी 1.2 सीवीटी के ऊपर। उसके कुछ फीचर्स है, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी गाड़ी के ऊपर। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं। थैंक यू। चलते हैं जी गाड़ी के ऊपर। तो जी हम आ गए हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी का फ्रंट आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा फ्रंट है सिटी का, न्यू शेप का। ये रैप इसलिए ग्रिल के ऊपर है कि जो नई गाड़ी ये फैक्ट्री से आती है तो इसके ऊपर रैप लगा होता है ताकि इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह ना पड़े लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान। ठीक हो गया। सिटी 1.2 है ये, इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलती हैं। 1.5 में आप फॉग लैंप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल है, आप ऐड करवा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, इसमें लग सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर आ जाएँ हम इसके टायर के ऊपर, इसमें 175/65R15 इंच का आपको रिम मिलता है। ये सादा रिम है व्हील कैप के साथ। 1.5 में आपको अलॉय रिम मिलता है। ठीक हो गया। तो अगर आ जाएँ आप गाड़ी के अंदर, 1.2 के अंदर आपको फैब्रिक मिलती हैं चीज़ें ये, और सीट्स भी फैब्रिक मिलती हैं। 1.5 में आपको ये जो सीट्स वगैरह हैं ये आपको आपको लेदर में मिलती हैं। ठीक हो गया है। उसके बाद ये साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको मतलब गाड़ी के शीशे फोल्ड अनफोल्ड भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। पहले मॉडल में ये चीज़ें नहीं थी। आप शीशों को सेट भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट पुल करके, और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह गाड़ी का मीटर भी बहुत प्यारा है। अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक हो गया है। ये इसका पैनल आ गया है नेविगेशन का, एसी की नॉब्स वगैरह आ गई हैं, एसी का आ गया है। 1.2 सीवीटी है ये, और ये इसकी एवरेज भी अच्छी है गाड़ी की, और ये बेच इंटीरियर के अंदर है। आप चेक कर सकते हैं जो 1.5 है उसमें लेदर आता है, 1.2 के अंदर ये फैब्रिक आती है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये 1.2 में जो सीवीटी गियर दिया गया है इसकी वजह से आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बेहतर होती है। डिपेंड कर रहा होता है आपकी ड्राइव के ऊपर कि आपकी ड्राइव कैसी है। अगर आपकी ड्राइव अच्छी है तो आपको ये लोकल में लेट्स सपोज कि आपको 13-14 की एवरेज देती है। लॉन्ग पे अगर आपकी एवरेज मतलब आपकी ड्राइव अच्छी है तो आपको ये 16-17 तक भी देती है। डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइव के ऊपर आपकी ड्राइव कैसी है। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको पिछली सीट्स पे बैठ के दिखाता हूँ कि पिछली इसकी लेग स्पेस वगैरह कैसी है। ठीक हो गया। पिछली लेग स्पेस भी इसकी अच्छी खासी है और छत भी ठीक है। 1.5 के अंदर आपको यहाँ पे एसी की दो डक्ट मिलती हैं और नीचे आपको चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद गाड़ी की बैक पे आ जाएं तो गाड़ी की डिगी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बैक से भी गाड़ी बहुत प्यारी है। ये 1.2 के अंदर कैमरा आप एडिशनल इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन 1.2 जो आती है गाड़ी उसमें कैमरा होता नहीं है। ठीक हो गया। इसके स्पेयर व्हील पे आ जाएं, स्पेयर व्हील है, टूल किट है इसकी, और इसका जैक है। प्लस गाड़ी की साइड वॉल के ऊपर आ जाएं तो ये पहले मॉडल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट ऊपर की गई है ताकि गाड़ी ज़मीन पे न लगे। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जी आज की वीडियो हमने बनाई है होंडा सिटी 2023 मॉडल के ऊपर, 1.2 सीवीटी के ऊपर। तो जो कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें फीचर्स हमने आपको गाइड किए हैं, तो आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। इस तरह के नेक्स्ट अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।